अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। लाओ ये मुझे दे दिलाओ। थोड़ा कलर उतर गया है। तुम इसका क्या करोगे? वो ब्लड रिपोर्ट निकलवाना है ना, तो मैं निकलवा लूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं निकलवा लूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं जया, तुम कहाँ निकलवाओगी ब्लड रिपोर्ट? देखो 500 रुपए तो कहीं कोई भी लैब में लग ही जाएंगे ना। तुम लाओ मुझे दे दो, मैं एक संस्था को जानता हूँ, वो फ्री में रिपोर्ट निकलवा के देते हैं। फ्री में? हाँ हाँ, अरे तभी तो पिताजी राजी हुए ना। तुम तो घर की हालत जानती हो जया, एक एक पैसा सोच सोच के खर्च करना पड़ता है। हाँ जय, मैं जानती हूँ, लेकिन ये संस्था वंस्था पे ना मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हाँ? मैं एक अच्छे से लैब में जाकर ही रिपोर्ट निकलवाऊंगी। अच्छे से लैब में पैसे लगेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे? तुम उसकी टेंशन मत। नहीं जया, देखो अब और तुम्हारे बाबा से एहसान नहीं ले सकते। क्यों पिताजी? ये कितने एहसान हो चुके हैं तुम्हारे बाबा के हम पर। बेटा वो फ्री में रिपोर्ट निकलवा रहा है, निकाल ले दो उसे। हाँ बाबे, लेकिन पिताजी जय, तुम्हें किसने कहा कि मैं बाबा से पैसे लूंगी? मैं भी फ्री में ही निकलवाऊंगी रिपोर्ट। कैसे? मेरे एक प्रोफेसर है, उनकी एक लैब है। अच्छा। मुझे एकदम अपनी बेटी जैसी मानते हैं वो। मैं अगर पैसे दूंगी ना तो भी वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, इसीलिए आप सब लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अच्छा अच्छा, लेकिन जया मेरी कहाँ गई? जया गई 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 बेटा गई गई भाभी गई चली चली गई। ये छोटी लोखंडे हमेशा मुझसे 2 कदम आगे कैसे निकल जाती है? क्या क्या बोल के रोकू, क्या कह के रोकू? कहने को बचा क्या है कि टेस्ट करवाने के पैसे मिलेंगे? जय भाई अब तो ना असली रिपोर्ट आकर ही रहेगी। देखना आप, वाट लग गई फिर से, अपनी वाट लग गई। अब क्या होगा? क्या क्या होगा उर्मिला, वही होगा जो मंजूर है जया होगा। हाँ? पाजी, 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 पाजी। अभी नहीं दीपक, आचार्य जी ने कहा है कि जब एक बार इलाज पूरा हो जाए तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। कौन से इलाज के बाद? ये है वो इलाज। चलो वाटर ना सही, कम से कम वाटर मिलन का जूस तो पिला रही हो। दीपक इसका जूस नहीं पीना है। तो क्या पूरा का पूरा तरबूज मेरे मुंह में ठूसोगी? बताती हूँ, दिखाती हूँ। थोड़े और छोटे छोटे टुकड़े करो ना, मुझको बहुत जोर की भूख लगी। भूख लगी है? हाँ हाँ। खिला दियो। भाग जाओ, बहुत खतरनाक खिला जे। चुप। अब आग बंद करो। हाँ हाँ, अरे खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जल्दी खिलाओ। हाँ। दोनों आग। हाँ हो गया, वही बात है। तैयार हो जाओ। खिलाती हूँ। जोर से मत मारिए। अरे सुषमा डरने की बात नहीं है, क्या है इसके पैरों में रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, लेकिन छड़ी की मार खाने से रक्त प्रवाह होने लगेगा। मतलब जब रक्त प्रवाह होगा तो इसे दर्द भी होगा। हाँ, और दर्द के मारे ये उठ खड़ा होगा, लेकिन तब तक हमें इसे मारते रहना चाहिए। कुछ लगा? अब लगा? नहीं लगता। अब तो
लगा होगा। कान है, नहीं लगता। सुषमा, सुषमा मैं थक गई हूँ, अब ले तू इसे मार, ले। सॉरी दीपक, तुम्हारे इलाज के लिए ना ये बहुत जरूरी है। सॉरी, लगी? लग रही है, रक्त प्रवाह शुरू हो रहा है, मारो मारो। ये तो बेहोश हो गया। ये तो अच्छी बात हुई, इसका मतलब ये हुआ सुषमा कि इसके दिमाग तक पीड़ा का असर होने लगा है। बस एक और इलाज और तेरा ये मरीज चलने क्या दौड़ने लगेगा। चल मेरे साथ, तैयारी करनी पड़ेगी। हे भगवान, क्या करूं, भाग जाऊं? नहीं नहीं, आज भाग गया तो कोई और रेस जीत जाएगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह मार वाला इलाज प्यार वाले इलाज में बदल जाए। भाग जाओ, भाग जाओ, अभी भी वक्त है, भाग जाओ। ओह ग्रेट, सब लोग आ गए, फाइन। अब ये देखो। अरे बात है, अच्छे पार्टी किस खुशी में? मेरे तलाक की खुशी में। कमाल है जय, तुम्हारा तलाक हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर पहले बताते तो मैं अपने स्पा की अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं करती ना। अगदेवा, कोई तलाक नहीं हुआ है। लेकिन ये तलाक करवा के रहेगी। मालपानी, तुम्हें देखकर है ना मेरे दिमाग में दो सवाल उठते हैं। अच्छा, एक तो तुम्हारा IQ क्या है और दूसरा तुम यहाँ पे क्यों हो? Exactly. Excuse me, Mr. परमवीर चोपड़ा, बहुत रिक्वेस्ट करके तुमने मुझे माँ बनाया, डू नॉट फॉरगेट। देवा जय भाई, अगर ये ऐसी बातें बाहर जाके करेगी तो अंकल के कैरेक्टर की वाट लग जाएगी। क्या? उर्मिला मेरी बहन, डैड का कैरेक्टर गया तेल लेने के लिए। जय, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस वक्त कौन क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सिर्फ एक ही बात है कि रिपोर्ट्स जया के हाथ में नहीं पहुंचने चाहिए, राइट? अब इसके लिए मैंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके। अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो प्लान कैसे पता चलेगा? थोड़ा ये IQ वाला सवाल। इस मालपानी, कोई कुछ नहीं बोलेगा का मतलब होता है कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप सिर्फ अपना हाथ ऊपर कीजिए, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, नाउ कॉन्सेंट्रेट। अब समझिए कि ये जया है। क्या है वो जया? ना थोड़ी लंबी है तो लंबा वाला ग्लास लो ना, अच्छा लगेगा। अरे कम ऑन यार, मैं इस्तेमाल पानी, ठीक है, ये जया है, फाइन। अब प्लीज, कोई बीच में कोई भी उंगली नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेंगे आप लोग। और अब ये वो आदमी जो ब्लड रिपोर्ट लेकर आएगा, जिसका नाम मुझे अब तक पता नहीं है। What is it? मुझे आदमी का नाम पता है, उसका नाम है मुसाफिर। मुसाफिर? हाँ, आज सुबह ही मैंने गाना सुना था, आदमी मुसाफिर है। Enough is enough, या मिस बालबानी। यहाँ मेरी शादीशुदा जिंदगी दांव पे लगी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है? मैं मजाक नहीं कर रही जय। ये मजाक नहीं तो और क्या है मिस बालबानी, मजाक नहीं तो और क्या है? मेरा वो रिश्ता जो मेरे लिए मेरी जिंदगी है, आपके लिए वो मजाक है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आपको मिस बालपणी, अब मुझसे और नहीं होता। अब एक काम कीजिए मिस बालपणी, अब जाइए। जय, अब जाइए। नहीं नहीं, आप जाइए यहां से। जय, टेक इट इजी बेटा। आई कांट डियर डैड, आई कांट। और कितना कंट्रोल करूं मैं? एक काम करिए आप सब लोग, आप सब लोग यहां से जाइए। एवरीबॉडी जस्ट लीव, एवरीबॉडी लीव। जो कुछ करना है वो मैं कर लूंगा, मुझे आप में से किसी की भी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो अवे एवरीबॉडी, जस्ट गो अवे यार, जस्ट गो अवे।
जय मेरी बात सुन। जय कमाल है, हम लोग को जाने के लिए बोल के खुद ही चला गया। तुम लोग दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही थी कि ब्लड रिपोर्ट को घर पे आने से तुम लोग नहीं रोक सकते, क्योंकि आजकल तो ब्लड रिपोर्ट ईमेल पे भी आती है। स्टूपिड। अरे उर्मिला, हाँ ये वाली बात तो मिस मालपानी ने वाकई में आईक्यू वाली कही। करेक्ट, आज तक तो मैंने सुना था कि बंद पड़ी हुई घड़ी दिन में दो बार सही वक्त बताती है, लेकिन आज तो देख भी लिया यार। हाँ यार, कुछ सोच दीपक, कुछ सोच वरना तेरी वाट लग जाएगी। दीपक बेटा, अब तुझे बस ज्ञानचंद जी महाबापू ही बचा सकते हैं, क्योंकि सुषमा महाबापू जी की बात टालेगी नहीं। तो महाबापू जी, सुषमा को फोन लगाइए। मैं दीपक से मिलकर आती हूँ। हेलो, प्रणाम माँ बापू जी। अष्ट पुत्र सौभाग्यवती भवः, सदा सुहागन रहो। लेकिन ये आशीर्वाद तो शादीशुदा औरतों को होता है ना? किसी दिन तुम्हारी शादी अवश्य होगी, उस दिन ये आशीर्वाद याद कर लेना। ठीक है माँ बापू जी, लेकिन आपने मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि हम उस आश्रम में पधार रहे हैं जहाँ हमारा लाडला महासंस्कारी महापरोपकारी महागुणी दीपक है। लेकिन आपको कैसे पता कि दीपक यहाँ पर है? हम अंतर्यामी हैं, हमें सब दिखता है। रुक जाओ सुषमा। क्या हुआ माँ बापू जी? तुम दीपक के नजदीक नहीं जाओगी। माँ बापू जी, आप कहाँ पर हो? हमने कहा ना, हम अंतर्यामी हैं, तुम दीपक के करीब मत जाना, क्योंकि कमोलिका नाम की रणचंडिका ने दीपक के इर्द गिर्द नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न कर दी है। हमारे फोन रखने के 10 सेकंड बाद तुम दीपक के पास जाना, तब तक हम उसे थोड़ी सकारात्मक ऊर्जा भेजते रहेंगे। ठीक है माँ बापू जी, और कुछ करना है? हाँ, एक काम करो, तुम दीपक को एक अंधेरे कमरे में ले जाके बाहर से दरवाजा बंद कर दो और उसमें ताला लगा दो, और ताले की एक चाबी दीपक के गले में लटका दो, ताकि हम उसे सकारात्मक ऊर्जा यहाँ से भेजते रहे। मैं कुछ ही देर में वहाँ पे उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है माँ बापू जी, आप कब तक आओगे? जब हम आएंगे तो बादल गरजने लगेंगे, घंटियां बजने लगेंगी, बिजली कड़कने लगेगी, और पत्ते फड़पने लगेंगे, और दिल धड़कने लगेंगे। ठीक है माँ बापू जी, आप जल्दी से आ जाइए, मैं 1 से 10 तक गिनकर दीपक को अंधेरे कमरे में रख दूंगी। अभी फोन रखते हैं और हम उपस्थित होते हैं 10 सेकंड बाद, याद रखना। हाँ ठीक है। बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ डैड। क्यों, क्या हुआ? क्या क्या हुआ डैड, कब तक हम ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे? एक के बाद एक नया झूठ, हमेशा झूठ बोलते हैं, फंस जाते हैं, फिर एक नया बहाना बनाना पड़ता है, कब तक? वह ऑफिस भी नहीं जा पा रहे, पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है। जानता हूँ डैड, ये सब ना, ये झूठी फैमिली, ये नाटक, ये सब बंद करना है, खत्म करना है, कब तक ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग? वो तो पता नहीं बेटा कब तक करते रहेंगे। डैड, कभी कभी सोचता हूँ कि डैड मेरी शादी तो हो गई है, अगर जया को हम सब सच बता देंगे तो क्या होगा? नाराज हो जाएगी, रूठ जाएगी, तो मना लूंगा डैड। इतनी आसानी से नहीं मानेगी बेटा वो। हाँ डैड, आसानी से नहीं मानेगी, मुश्किल से मानेगी ना, 2 दिन नहीं बात करेगी, 4 दिन नहीं बात करेगी, उसके बाद तो डैड मैं उसका पति हूँ और मेरा प्यार सच्चा है डैड, मैं मना लूंगा उसे डैड, मैं मना लूंगा, आई एम श्योर मैं मना लूंगा। तेरी बात पे दम है बेटा, गो अहेड डू इट,
बता दो, बता दे। थैंक यू डैड, थैंक यू। नहीं नहीं, छोड़ दो उन झूठे मक्कार लोगों का घर। हेलो, हेलो। अरे जय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जय, अपना फोन दो ना। उसमें फोन चेक करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा फोन चेक करने के लिए नहीं मांग रही हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट फोन करना है और मेरा फोन डेड हो गया है। हाँ राधा, अरे मेरा फोन डेड हो गया है। ये तुम्हारे अच्छे और सच्चे जीजू का फोन है। झूठा है वो। हाँ हाँ, तुम्हें ऐसे झूठे लोगों के घर पे रहने की ना कोई जरूरत नहीं है। कैसा प्यार, झूठ के बलबूते पे कोई प्यार नहीं टिक सकता। राधा तुम मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हारी बाबा से बात करवाती हूँ, वो तुम्हें समझाएंगे। हाँ देखो राधा बेटी, जय ने तुम्हें जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ऐसे झूठे और फरेब लोगों के साथ रहना किसी पाप से कम नहीं है। उन्होंने खून किया है, तुम्हारे विश्वास का खून किया है। तो बिल्कुल डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें घटस्फोट दिलवा के ही रहूंगा। अगर उन्हें ऐसा लगता होगा कि लड़के एक बार शादी करके घर आ गए तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उनकी गलतफहमी है। अच्छी तरह से गलतफहमी को हम दूर करेंगे। एक काम करो, तुम कल आश्रम में आ जाओ, मैं वहां वकील को बुलाता हूँ और सब ठीक कर देंगे हम लोग। हाँ नहीं नहीं, डरो मत। ये कैसे बंद करने का? ये बाप बेटे परे भी हैं, नालायक मक्कार। सिर्फ बाप और बेटा ही नहीं बाबा, माँ बहन और दादी सब झूठे हैं। मर्दों का तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक औरत होकर कोई दूसरी औरत से झूठ कैसे बोल सकता है? अब समझिए कि ये जया है। तो लंबा वाला ग्लास लो ना। ठीक है, ये अब कोई कुछ नहीं बोले। आदमी मुसाफिर है। मालपानी जय, आप जाइए यहाँ से, ले आओ दूसरी मालपानी, बाय। लगता है हमारी रिपोर्ट ईमेल से पहुंच गई। चुप करी, ऐसे ही मेरे को डर लग रहा है, तू और डरा रही है। अरे मुझे तो जया की बातें सुनकर चक्कर आ रहे हैं। एक शॉट लगा दे। वैसे लोखंडे जी, बात क्या है, किस पर आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? प्रेमचंद जी, इस दुनिया में झूठे और फरेबी लोग कितने हैं आप जानते हैं? इसका तो हमें कैसे पता हो सकता है, झूठ और फरेब से हमारा तो क्या रिश्ता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या रिश्ता, कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा। लेकिन वैसे बात क्या है, आप बाजा बेटी, बाप बेटी इतना गुस्सा क्यों है? जय, हमारे आश्रम में एक लड़की थी राधा। हाँ। उसकी शादी बाबा ने सांगली में करवा के दी। पहले तो उसके ससुराल वालों ने कहा कि उनका कोई गन्ने के जूस का ठेला है, लेकिन एक रिपोर्ट आने के बाद उनकी पूरी पोल खुल गई। गन्ने के जूस की ब्लड रिपोर्ट? जैसे हम लोग ने बीट का जूस ट्राई किया था, इन्होंने गन्ने का जूस ट्राई किया। इनको बोलने दीजिए जो जया बोल रही है। बात ऐसी हो गई कि राधा के सास की ब्लड रिपोर्ट राधा के हाथ में आ गई और सब पोल खुल गई, यानी सब बीमारियां सामने आ गई। क्या क्या बीमारियां थे उस सास को? नींद में चलने की बीमारी, रक्तदाब की बीमारी, और मधुमेह की बीमारी, और कितनी सारी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब बीमारियां पता चलने के बाद पोल कैसे खुली? बहन जी, आप सचमुच कितनी भोली हैं। ये सब बीमारियां गरीबों को नहीं होती है, ये तो अमीरों के चोचले हैं। और इसीलिए राधा ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। अच्छा। और उसे पता लगा कि वो गन्ने के जूस का जो ठेला था ना, वो तो सिर्फ दिखावा था। हकीकत ये थी कि उस ठेले के पीछे उन लोगों की एक शुगर की फैक्ट्री थी, करोड़पति थे वो लोग। लोखंडे जी, उन लोगों ने अपनी बहू को ठीक से रखा तो था ना? क्या खाक ठीक से रखा था, अंधेरे में रखा था। अच्छा,
उन्होंने अपनी बहू को अंधेरी में रखा और खुद अलग रहे। हाँ जी, अंधेरी में नहीं, अंधेरे में। अंधेरे में मतलब? अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। हाँ। वो अंधेरा। अच्छा अच्छा। ये कार में रहने वाले और अंधकार में रखने वाले लोगों का मैं धिक्कार करता हूँ। राधा एक बहुत ही आदर्श और उसूलों का पालन करने वाली लड़की है। अमीरों से और झूठों से तो उसे सख्त नफरत है, और इसीलिए मैंने कल उसे आश्रम में बुलाया है। और मैं भी एक वकील को लेके जाऊंगा और घटस्फोट दिलवा के ही रहूंगा। यार इतनी छोटी सी बात के लिए विस्फोट कराने की क्या जरूरत है? हाँ यार, मैं भी वही सोच रही हूँ। अरे विस्फोट मतलब की डिवोर्स, तलाक। तलाक, तलाक।